हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइज़ आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाइनिंग वाले सूट की स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने जो है आप लोगों को इसकी कटिंग बताई हुई है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग चेक कर लेना तो चलिए फिर हम इसकी जो स्टिचिंग इस है वो शुरू करते हैं पसंद आए और हेल्पफुल रहे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं तो जी ये है हमारे सूट की कटिंग फ्रंट और बैक साइड दोनों है ये इसकी कटिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ठीक है जी तो ये है हमारा फ्रंट साइड देख सकते हैं आप लोग तो सबसे पहले हमने क्या करना है फ्रंट साइड का जो हमारा लाइनिंग है अस्तर है उसको हमने इस तरह से ऐसे खोल के रखना है सीधा और अब इसके ऊपर सीधा ही हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम रखेंगे ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल जो है लाइनिंग से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको बिल्कुल अच्छे से मिला के इस तरह से ऐसे रखना है और अब हमने जो है पिंस ले लेनी है और बिल्कुल अच्छे से जो है हम जो हमारा मेन फैब्रिक है और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको अच्छे से मिलाते जाएंगे बिल्कुल भी झोल झाल ना रहे इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और दोनों ही जो हमारा मेन और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है आपने उस पर आयरन बहुत अच्छे से करना है कहीं से भी मुड़ा तुड़ा ना हो आपका फ़ैब्रिक इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तो देखिए पहले मैंने जो है साइड से पिंस लगाई फिर मैं जो है सेंटर से पिन लगा रही हूँ और अब मैं इस साइड पिन लगाऊंगी पिन लगाने से क्या होगा ना आपका जो फैब्रिक है एक तो ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ये ना बहुत ज्यादा फिसले का सिलने में तो इसलिए सबसे पहले जो है मैं इसको पिन से अटैच कर रही हूँ तो जी चारों तरफ से जो है मैंने इसको अटैच कर दिया है अब हमने इसके चारों साइड सिलाई लगानी है और सबसे पहले जो है ना हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे ताकि ये रुका रहे फैब्रिक तो जी सबसे पहले यहां ऊपर की साइड हम लगा देंगे ताकि हमारा फैब्रिक रुक जाए और उसके बाद जो है हम इसके सेंटर में सबसे पहले सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो जी देखिए इस तरह से आपने जो है लगा देना है सिलाई को और जो आपकी मशीन की सबसे बड़ी सिलाई होगी ना उससे लगाइएगा आप इसे वरना हमारा फैब्रिक कई बार जो है सिकुड़ जाता है ठीक है जी तो देखिए अब अब जो है मैं सेंटर से सिलाई लगाऊंगी सेंटर से सिलाई लगाने से क्या होगा आपका जो फैब्रिक है वो च मतलब हर तरफ के लिए जो है वो रुक जाएगा सेंटर से तो बहुत ज़्यादा जो है आसानी होगी आप लोगों को तो देखिए इस तरह से जो है मैंने सेंटर में सिलाई लगा दी है अब मैं साइड से शुरू करूँगी यहाँ से और जो भी आपकी झोल हो या जो भी हो उसको आपने साइड में निकालते जाना है इसीलिए ना हम सबसे पहले बीच में सिलाई लगाते हैं ताकि जो भी हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा हो या हमारा मेन फैब्रिक या हमारा अस्तर तो उसको हम साइड से बाहर निकालते जाएं ठीक है जी तो देखिए अब मैं बिल्कुल अच्छे से इसको जो है इस तरह से ऐसे सिल दूंगी ये देखिए और इसको ना नीचे से मैंने थोड़ा छोड़ दिया है ताकि मैं बाद में इस तरह से ऐसे अस्तर को फोल्ड कर सकूँ ठीक है जी तो देखिए अब हमने क्या करना है दूसरे साइड से इसको इस तरह से हम पलट लेंगे और यहाँ से भी जो है हम इसको इस तरह से ऐसे स्टिच करना शुरू करेंगे ये देखिए इस तरह से और आपने बड़ी सिलाई लगानी है इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप बाद में फिनिशिंग के लिए आप जो है इसको ओवरलॉक कराकर आप लोग जो है इसे खोल भी सकते हैं तो देखिए अब इसी तरह से जो है इस साइड भी मैं हल्का सा छोड़ दूंगी और हमने जो है पूरे में इस तरह से ऐसे सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाते ही ना आपने सबसे पहले जो है पिन्स निकालने हैं क्योंकि पिन से क्या होगा कई बार जो है अड़के हमारा कपड़ा भी फट जाता है तो देखिए पूरे में लगा ली है हमने सिलाई अब हम नेक बनाएंगे तो नेक बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर ना मैंने स्वीट हार्ट नेक ऑलरेडी जो है कटिंग करके पेस्ट कर लिया है अब जो हमारा अब, सूट का फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर के लिए हम जो है सबसे पहले एक कट लगाएंगे बीच में ये देखिए इस तरह से जो है हमने सेंटर का कट लगाना है यहाँ पर और अब जो हमारा जो हमने नेक कट किया हुआ है इसको हमने साइड से इस तरह से ऐसे सिल देना है तो जी इस नेक को हमने जो है इस तरह से ऐसे पूरा स्टिच कर देना है ये देखिए रफली आपने इसको स्टिच करना है और अब इसका भी जो है हम इसको ऊपर की साइड से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे ये देखिए इस तरह से और इसका भी हम सेंटर कर लेंगे कट लगाकर ये देखिए इस तरह से और अब हमने जो है कुर्ती का फैब्रिक रखना है इस तरह से सीधा और इसको हमने इस तरह से ऐसे रखना है नेक को इसके ऊपर और अब सबसे पहले जो है हम बिल्कुल कट से कट मिलाकर इस तरह से ऐसे जो है सेंटर की एक सिलाई लगाएंगे सेंटर की सिलाई लगाने से क्या होगा जो आपका नेक है वो कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी उसे टेढ़े होने की और आप ईजली जो है उसको स्टिच कर पाएंगे तो देखिए हमने जो है सबसे पहले एक सेंटर में सिलाई लगाई है अब जो है हम साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे और ये वाली सिलाई लगाते वक्त ना आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो ना तो आपकी बुकरम के ऊपर चढ़े और ना ही आपकी बुकरम से जो है बहुत बाहर जाए बिल्कुल बुकरम के पास पास जो है आपने इस तरह से ऐसे इसको स्टिच करना है ये देखिए इस तरह से जो आपका नीचे स्वीट हार्ट वाला जो कॉर्नर है ना उसको बहुत अच्छे से बनाना है नुकीला बिल्कुल अच्छे से तो देखिए इसको हमने इस तरह से ऐसे स्टिच कर देना है लास्ट में आपने पक्का करना है शुरुआत में आपने पक्का करना है अब जो है करीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से ऐसे इसकी कटिंग कर देनी है ये देखिए इस तरह से और अब जो है हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो ना कटे ठीक है जी तो देखिए हमारे कट्स लग गए हैं अब हमने नेक को इस तरह से ऐसे पीछे की साइड पलट देना है और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसको पलटते हुए ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे पर आपने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है जितनी फिनिशिंग के साथ आप सिलाई लगाएंगे ना उतना ही सुंदर आपका नेक दिखेगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी बिल्कुल किनारे पर और छोटी सिलाई लगानी है तो देखिए अब इसी तरह से पूरे पे हमने सिलाई लगा ली है और जो हमारा नेक है वो बनकर तैयार है और फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है अब हमने इसी तरह से जो है अपने बैक का भी नेक बना लेंगे बैक साइड का भी तो देखिए बैक साइड की लाइनिंग वाइनिंग जोड़ के हमने उसका भी जो है नेक बनाकर तैयार कर लिया है सेम इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट साइड का किया था अब हमने इसके ऊपर इसको जो है उल्टा रखना है और अब इसकी जो है हम कंधिया सबसे पहले जो है अटैच करेंगे तो जी देखिए इस तरह से हमने दोनों को पकड़कर ऐसे मिलाना है और सिंपली जो है हम सिलाई करेंगे शुरुआत में आपने पक्का करना है और जब आप एंड करेंगे सिलाई का तब आपने पक्का करना है तो जी एक तरफ की हमारी सिल गई है अब दूसरी तरफ की कंधी को भी हमने इस तरह से ऐसे ही जोड़ देना है ये देखिए इस तरह से शुरुआत में पक्का एंड देन एंड में पक्का तो जी देखिए हमारी कंधियाँ जुड़कर ये कुछ इस तरह से दिखेगा और अब जो है हम इसके आरमोल में सबसे पहले स्लीव्स जोड़ेंगे तो चलिए अब हम ये हमारी स्लीव्स हैं तो इसका हम सबसे पहले बॉटम फोल्ड करेंगे मैं कोई भी लेस वगैरह नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अपने आप में इसमें वाइट वाइट इतना वर्क है ना कि मेरे को कुछ भी जो है समझ नहीं आ रहा तो इसलिए मैं जो है इसको सिंपली जो है इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड कर दूंगी ये देखिए इस तरह से नीचे से इसका बॉटम फोल्ड कर देंगे तो जी हमारी स्लीव्स का जो है बॉटम फोल्ड हो गया है अब हमने इसको जो है अपनी कुर्ती में अटैच करना है तो देखिए इस तरह से हमने सीधा खोलकर कर रखना है और किस साइड की कौन सी स्लीव्स है वो हमने मैच कर लेनी है गहरे वाली साइड जो है हमारी फ्रंट साइड रहेगी तो देखिए इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है जो हमारा सेंटर वाला निशान है ना उसको हमने कंधी वाली सिलाई से मिलाकर इस तरह से ऐसे रखना है और सेंटर से जो है हम इसकी इसको जोड़ना शुरू करेंगे सेंटर से क्या होता है आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना क्योंकि यहाँ पर ओरेब होता है फैब्रिक तो वो थोड़ा बढ़ जाता है तो वो दोनों साइड इक्वल निकल जाता है अगर आप एक साइड से लगाना शुरू करते हैं तो एक तरफ से जब कभी फैब्रिक बड़ा बचता है ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी स्लीव जो है वो ख़राब हो जाती हैं तो इसलिए जो है हमेशा अपनी स्लीव जो है सेंटर से चढ़ाया कीजिए जैसे मैं चढ़ा रही हूँ ये देखिए इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो साइड में आ जाएगा और फिर हम उसको कट कर कर निकाल सकते हैं ईजिली तो जी हमारी स्लीव्स भी अटैच हो गई है ये देख सकते हैं आप लोग मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए एक साइड से हमने इसको अटैच कर लिया है अब दूसरे आरमोल में भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे तो देखिए दोनों स्लीव्स जो है हमने अटैच कर दी हैं दोनों तरफ से अब जो है हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो फिटिंग का निशान हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है सिंपली हमने बस इस तरह से ऐसे पकड़ना है इसको और सिलाई लगाते जाना है शुरुआत में पक्का करेंगे और अच्छे से इन जो हमारा फ्रंट और बैक का दोनों साइड है उनको मिलाते जाएंगे और जो है स्टिचिंग लगाते जाएंगे ये देखिए इस तरह से निशान हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं जब हमने कटिंग की थी, थी उसी वक्त के तो उसी निशान पर जो है हम लगा देंगे और हिप लाइन पर जो है हमने पक्का कर कर जो है अपने धागे को तोड़ना है धागे को कट करना है ये देखिए इस, इस तरह से हमने पक्का करना है सबसे पहले उसके बाद बाद जो है हमने अपने धागे को इस तरह से ऐसे कट करना है तो देखिए एक साइड से हमारा जो है सिल गया है अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से जो है फिनिशिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो देखिए मैंने दोनों साइड से जो है फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है अब जो है हम नीचे से जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको फिनिशिंग देंगे तो उसके लिए हमने इसको ऐसे घुमाना है और यहाँ से पहले जो इसमें सिलाई लगी हुई है उसको हल्का सा हम इस तरह से ऐसे जो है खोल देंगे और अब इसको अंदर की साइड जो है हम पतला फोल्ड करेंगे वो आपकी अपनी मर्जी आप चौड़ा करना चाहें तो चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं बट मैं इस तरह से ऐसे पतला फोल्ड कर दूंगी क्योंकि इस पर जो है हमें फिनिशिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुरपाई वगैरह करने की क्योंकि ये हमारा अंदर रहेगा तो ये उतना जो है दिखेगा नहीं तो देखिए इस तरह से जो है सिंपली हम इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड फ्रंट और बैक दोनों बॉटम में इसी तरह से जो है हम लाइनिंग में सिलाई लगा देंगे तो देखिए दोनों लाइनिंग में मैंने सिलाई लगा दी है फिनिशिंग की देख सकते हैं आप लोग और पीछे का मैंने बॉटम भी फोल्ड कर दिया है फ्रंट साइड का बॉटम तो फोल्ड ही नहीं होना क्योंकि उसमें कढ़ाई हो रखी है तो देखिए पीछे का मैंने फोल्ड कर दिया है अब जो हमारे ये चाक होते हैं ना इसको हम फोल्ड करेंगे तो देखिए इसके लिए हमने ऐसे घुमा लेना है अपने सूट को और इस तरह से ऐसे सिंगल करके रखना है अब आपने चाक फोल्ड करने के लिए जितना भी मार्जिन लिया था ना मैंने डेढ़ इंच लिया था तो देखिए डेढ़ इंच पर जो है मैं इस तरह से ऐसे निशान निशान लगाऊंगी और इस तरह से ना आपने चारों साइड जो है निशान लगाने हैं डेढ़ डेढ़ इंच के और अभी भी आपको समझ ना आए चाक फोल्ड करना तो सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है आप चैनल पर जो है हाउ टू फोल्ड चाक बाय नेहा फैशन हॉली करके अगर सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा तो जी हमने डेढ़ डेढ़ इंच के निशान इस तरह से ऐसे लगा लेने हैं अब इसको हम निशान तक ऐसे सिंगल फोल्ड करेंगे और अब इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे ये देखिए इस तरह से और अपने मशीन की सबसे बड़ी जो सिलाई होती है वो हम लगाएंगे ताकि बाद में हम इसको जो है तुरपाई करने के बाद हैंड स्टिच करने के बाद इसको खोल सकें तो देखिए कितना ईजली जो है हमारा जो बॉटम सॉरी जो हमारे चाक हैं वो फोल्ड हो जाएंगे ये देखिए इस तरह से और आपने अस्तर का ख्याल मतलब ध्यान रखना है कि हमारे अस्तर में झोल ना आए बिल्कुल बराबर आप लें जितना आप मेन मेन फैब्रिक ले रहे हैं उतना ही तो देखिए इस तरह से जो है जहाँ हमारी सिलाई है हिप लाइन की वहां तक हमने इसको संभाल कर बिल्कुल इस तरह से ऐसे स्टिच कर देना है यहां पर लाकर हम रोक देंगे और इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे सुई को नीचे छोड़ते हुए ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसको घुमा लेना है फैब्रिक को और अब दूसरी साइड को हमने इसी तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अगेन हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे और फिर अपनी सुई को नीचे छोड़ते हुए हमने ऐसे घुमाना है और अब इस साइड से भी जो है डेढ़ इंच पर निशान लगाकर ही मैं जो है इसको फोल्ड करूंगी ताकि बिल्कुल एक जैसा जो है हमारे चाक फोल्ड हो ताकि देखने में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आए तो देखिए डेढ़ डेढ़ इंच के निशान ही मैं इस तरह से ऐसे लगाऊंगी आप चाहें तो एक साथ निशान लगा लीजिएगा उसके बाद फोल्ड कीजिएगा तो देखिए अब इसी तरह से जो है हम इसको एंड कर देंगे लास्ट में भी जो है हम डेढ़ इंच पर ही निशान लगाएंगे निशान लगाने से क्या होता है ना बिल्कुल परफेक्ट बैठता है चाहे आपका आड़े कपड़े में सूट हो चाहे आपका सीध, सीधे कपड़े में सूट हो तो आपका जो चाक है वो इधर उधर भागता नहीं है अगर आप जो है नाप कर नहीं लगाएंगे तो वो इधर उधर जाएगा तो देखिए एक साइड से हमारे जो है चाक फोल्ड हो गए हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और अब दूसरे साइड से भी जो है हम इसी तरह से जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से आपको जो है मैं फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ तो जी ये है हमारी फाइनल लुक हमारे सूट की आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ जो है हमारे चाक फोल्ड हुए हैं और स्लीव्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं नेक भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मैंने मतलब जिस तरह से मैं बिल्कुल स्टिच करती हूँ ना उस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी वीडियो अब जब भी, भी मैं इसको वेयर करूंगी तो इसकी रील जाएगी इंस्टाग्राम पर तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नेह फैशन हॉली डॉट तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज